दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के मद्देनजर नगरोटा बगवां ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा समर्थन में सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पूर्व मंत्री जीएस बाली विशेष रूप से शामिल हुए। जीएस बाली ने केंद्र सरकार को चेताया कि यदि आगामी 15 दिनों के अंदर किसानों की जायज मांगों को नहीं माना गया तो हिमाचल का किसान भी इस आंदोलन में कूदने से गुरेज नहीं करेगा। सांकेतिक धरना प्रदर्शन शुरू करते हुए चक्का जाम कर संघर्ष का बिगुल बजाया जाएगा। किसान अपने हक को मनवाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी द्वारा हर प्रकार का सहयोग एवं समर्थन दिया जाएगा। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को आंदोलन करने का हक है, बावजूद उसके केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि शासकों की मानसिकता को दर्शाता है। देश के इतिहास में पहला आंदोलन है जिसके साथ आम आदमी का भी जुड़ाव है। इस आंदोलन में हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित किया है, बावजूद उसके मोदी सरकार का ध्यान इस ओर केंद्रित न होना अन्नदाता के प्रति उनकी भावनाओं को दर्शाता है। किसानों के साथ सकारात्मक संवाद न होना चिंता का विषय है। ये आंदोलन किसी एक विशेष प्रांत का न होकर पूरे देश का बन गया है, जिसमें बुजुर्ग, युवा, महिला तथा बच्चे शामिल हो रहे हैं। इस आंदोलन में कई दुख की घड़ी का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सैकड़ों किसानों ने अपने हक के लिए जानें गंवा दी हैं, जिसकी जिम्मेदार केंद्र की मोदी सरकार है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर अगली कार्रवाई अंजाम में लाई जाएगी। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मान सिंह चौधरी, अरुण कटोच, प्रताप रियाड, मदन चौधरी, बलदेव चौधरी, सुमित्र मसंत, त्रिसेन पवन ठाकुर, अजय स्पैया, रविंद्र चौधरी, अजय भनियारी, जो कि ब्लॉक समिति चेयरमैन अंजना कुमारी, उप चेयरमैन अमित कुमार, कुलदीप धीमान तथा अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। लंबा चला हुआ किसानों का आंदोलन पूरे देश में, यहाँ आम आदमी की अटेंशन ड्रॉ कर रहा है, आम आदमी का ध्यान उसकी तरफ जा रहा है, मगर सबसे बुरी बात है कि अभी तक ये जो मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी की सरकार है, इसका ध्यान उनकी तरफ नहीं जा रहा। और किसान जो है वो ठंड में बिना पानी, बिना बिजली, कई बार बिना इंटरनेट के वहां पर डटे हुए हैं, पीसफुली अपना आंदोलन जो है वो कर रहे हैं। लोकतंत्र में आंदोलन करने का सबको अधिकार है, उनको उसकी पुष्टि जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी की कि ये उनका अधिकार है, इसलिए वो इंटरफेयर नहीं करेंगे उसमें। और किसान आंदोलन जो है वो एक मूवमेंट बन चुका है, व्यापक रूप से लोग उससे जुड़ गए हैं, और सिर्फ जो है वो कोई एक सूबे का या एक प्रांत का या एक रीजन का बन के नहीं रह गया, ये पूरे देश का आंदोलन है। यहाँ पे बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उसमें भाग ले रहे हैं, मगर जिस तरीके से कांटे वाली तारें लगा करके, खाइयां खोद करके और दीवारें लगा करके उस आंदोलन को कुचलने का प्रयास हो रहा है, ये कोई जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके जो शासक है ये उनकी मानसिकता जो है वो ठीक नहीं दर्शाती। आम मानुष, सोसाइटी के सब सेक्शन के लोग उनकी दशा को देख करके परेशान है,
उनको दिशा दिलाने के बजाय उनको और कंफ्यूज करके अलग अलग जगह पर उनको रोकना, उनसे संवाद नहीं होना, ये लोकतंत्र में ठीक संकेत नहीं है। और आने वाले टाइम परेशानी भरा हो सकता है और इससे सारे लोग प्रभावित हुए हैं। जिसने इमरजेंसी में भी दिल्ली जाना होता है उसको भी 4-5 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। इनको सरकार को इसके ऊपर जल्दी से जल्दी किसानों के साथ डायलॉग करें। यहाँ हिमाचल का किसान जो है वो भी तैयार है इस एजिटेशन में कूदने के लिए। और आज हमने भी नगरोटा बगवा में अपने एग्जीक्यूटिव की मीटिंग रखी है और हम ये एक चेतावनी भी है और एक ये इन्फॉर्मेशन भी है सरकार को कि अगर ये आंदोलन जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म नहीं होता है तो आने वाले समय में यहाँ पर भी दिक्कतें आ सकती हैं। कांग्रेस पार्टी जो पूरी तरह से हमारी लीडरशिप इस आंदोलन के साथ खड़ी है, किसान के साथ खड़ी है, अन्नदाता के साथ खड़ी है, वैसे ही प्रदेश कांग्रेस भी किसानों के साथ है।